देखिए अब ये 7.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज है, बहुत से बच्चे छोड़ देते हैं, स्कूल्स में पढ़ते ही नहीं ऑप्शनल, क्यों? उनके दिमाग में रहता है स्टार बना के लिखा रहता है यहाँ पे नॉट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, ठीक है खुश हो लो बेटा, लेकिन ये नॉलेज के लिए मोस्ट, इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो कि 11th क्लास का भी कंसेप्ट यूज़ होगा, तो जरूर देखिए। तो मेरा जो काम है वो मैं कर रहा हूँ, एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आपसे कि नॉलेज के लिए पढ़ते हैं हम लोग। पहला ही क्वेश्चन लेते हैं, कह रहे डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन, तो वो लाइन का पहला क्वेश्चन अभी तक नहीं पढ़ा था, इन विच द लाइन 2x प्लस वाई माइनस 4 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। तो देखिए ये कह रहे हैं ये एक लाइन है ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट हैं 2, -2 और बी के कोऑर्डिनेट हैं 3, 7। अब क्या है कि इसको एक लाइन है ना वो डिवाइड कर, अभी तो एक पॉइंट इसको बीच में कहीं पर कट कर करता था, अब एक लाइन करी, लाइन की इक्वेशन देख लें क्या है कि 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। देखो अगर ओरिजिनल ग्राफ बनाएंगे ग्राफ पेपर पे तो आप बना लेना, वरना मान लो इस लाइन ने इसको इस तरीके से कट कर दिया, ये लाइन की इक्वेशन है। अब मैंने सीधी लाइन ही क्यों ली, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, सबकी डिग्री 1 है, तो इसको कट किया इस पॉइंट, मान लो सी पॉइंट पे, अब इसने के रेशियो 1 में कट किया, तो हमको वही रेशियो फाइंड करना है। तो यार सबसे पहले तो रेशियो फाइंड करते हैं जो सेक्शन फॉर्मूले, ठीक है सेक्शन फॉर्मूले से, चलिए इसको ले लेते हैं एक्स वन, इसको लेते हैं वाई वन, एक्स टू और ये वाई टू, ये एम वन और ये एम टू। चलिए भैया आंसर, तो इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। चलिए देखते हैं क्या होता था फॉर्मूला, एम वन एक्स टू एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू एम वन वाई टू एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। चलिए वैल्यू पुट करिए, एम वन के एक्स टू थ्री एम टू वन एक्स वन टू अपॉन के प्लस वन, एम वन के वाई टू सेवन एम टू वन वाई वन माइनस टू अपॉन के प्लस। मुझे नहीं लगता अभी तक कोई दिक्कत होगा, ना मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, क्योंकि ये सिंपल चीज़ है 7k। अब लॉजिक तो यहाँ से आ गया, ये जो कोऑर्डिनेट आ गए हैं ये सी पॉइंट के आ गए हैं, और सी पॉइंट क्या इस लाइन पर है, बिल्कुल है। तो थोड़ा सा 9th के या 10th क्लास में लेकर चलूँगा, उसमें बताएंगे। अगर आपने मान लीजिए इस लाइन का एक ग्राफ बनाया, इस लाइन का एक ग्राफ बनाया एक्स पर 0 वाई पर 0 एक्स पर 1 तो वाई पर, चलो इसका मान लो इसका ग्राफ बनाया तो इस तरीके से आ जाएगा। अब इस ग्राफ का मतलब क्या हुआ कि अगर इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब अगर यहाँ पर एक पॉइंट है मान लो 1, 1 तो यहाँ पर रखोगे तो RHS के बराबर आएगा, रखो x की जगह 1 y की जगह 1 0 आ गया। देखो मतलब इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उनके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो सब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो ये जो पॉइंट है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉइंट सी विल सेटिस्फाई 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। हाँ जी भैया बिल्कुल करेंगे, जब इस लाइन पर ये पॉइंट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह रख दो ये और y की जगह रख दो ये, बस आंसर आ गया। तो 2x की जगह 3 दो, कितना नया क्वेश्चन आपको मिलेगा, नए नए कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे, ये हो गया प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। चलिए 2 का मल्टीप्लाई 2, 3, 6x 2, 2, 4 अपॉन के प्लस 1 7k माइनस 2 अपॉन के प्लस 1 माइनस 4, ठीक है नीचे आ रहा है। हाँ जी एक एलसीएम और ले लेते हैं यहाँ पे, कितना आएगा एलसीएम, के प्लस 1 तो ऊपर हो गया 6k प्लस 4 7k माइनस 2 k प्लस 1 का इसमें माइनस का 4k माइनस का 4 इक्वल्स टू 0 और k प्लस 1 चला जाएगा 0 में। चलिए अब देखो 6k 7, 6, 13 13 से 4 गया तो 9k, ठीक है 4 से ये 4 कैंसिल माइनस का 2 इक्वल्स टू 0 तो 9k इक्वल्स टू 2 तो k इक्वल्स टू 2 अपॉन 9, मतलब जो रेशियो आ गया m1 रेशियो m2 जो होता था
के आ गया 2:9। मतलब अगर आप इसको ओरिजिनल कार्टेशियन प्लेन पर ये दो पॉइंट लेंगे, इस ग्राफ को बनाएंगे और जब उनके डिस्टेंस को ये मेज़र करेंगे तो ये 2 होगा, ये 9 होगा। मतलब इनका कुछ भी हो सकता है, ये 10 होगा तो ये 90 होगा, 10 अगर ये 20 होगा, मतलब इनका जब डिवाइड करेंगे आप, फाइनली समझो यार, डिवाइड करेंगे तो इनका डिवाइड हमेशा 2:9 ही आएगा। ये समझो हमेशा 2:9 ही आएगा। मुझे नहीं लगता, वो आंसर चेक कर लूँ बस मैं। हाँ एकदम सही हमारा आंसर। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, मिसलेनियस का, मिसलेनियस ऑप्शनल का, ठीक है। 2 तो बहुत सिंपल लग रहा है देखने से। क्या कह रहे हैं कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इफ द पॉइंट्स, हाँ रियल में सिंपल है, एक्स कॉमा वाई 1,2,7,0 आर कोलीनियर। कह रहे हैं ये क्या कोलीनियर, मतलब ये तीन पॉइंट से मान लो ए बी सी, इसका जो एरिया है वो 0 के बराबर रख दो तो एक्स और वाई में इक्वेशन आ जाएगी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू 0, तो इसको लो एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, ठीक है। तो 1/2 एक्स वन इक्वल्स टू 0, तो 1/2 तो इस तरफ चला जाए, एक्स वन की जगह एक्स वाई टू, टू माइनस वाई थ्री 0, प्लस एक्स टू 1, वाई थ्री 0, माइनस वाई वन वाई, प्लस एक्स थ्री 7, वाई वन वाई, माइनस वाई टू 2, ठीक है जी। वो तो 0 में चला गया। चलिए तो 2x हो गया, ये माइनस का y हो गया, प्लस का 7y, माइनस का 14 इक्वल्स टू 0, तो 2x प्लस का 6y माइनस का 14, 2 कॉमन आ रहा है। अब ये कहना, ये मत कहना यार जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे भी कभी कभार लगता है कि मैं जल्दी कर रहा हूँ, बट मुझे फिर ये भी लगता है कि यार एक एक प्रूफ बता दिया गया, फिर इन देखो जो लॉजिकल चीज़ें उस पर मैं धीरे चलता हूँ, अब बच्चों वाली चीज़ों पर मैं, अब ये मत कहना बच्चे हैं, तुम बच्चे नहीं यार, ठीक है एकदम सही है हमारा। अब जो मज़ेदार क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन है, वो थोड़ा लेंदी जाएगा, मज़ेदार कुछ नहीं करेंगे लेकिन भैया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ये कहते हैं कि फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल हु पासिंग थ्रू द पॉइंट टी। एक सर्कल है इस तरीके का, ये रहा सर्कल और वो टी, ये सेंटर है, वो तीन पॉइंट से होता हुआ जा रहा है। एक पॉइंट है मान लो यहाँ पर 6,-6, एक है मान लो कहीं पर भी ले लो, ऐसा उन्होंने कुछ बोला नहीं है, 3,-7, और एक है 3,3। तो उसके सेंटर, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी है, ये ओ है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट मान लो x,y हैं, तो मैं इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये तो बच्चा बच्चा को पता है, बच्चों बच्चों को पता है कि हमको तो ओ ए बराबर ओ बी होगा, क्यों रेडियस है ये भैया, रेडियस है ना ये, ठीक है। तो क्योंकि हम डिस्टेंस से, हम डिस्टेंस निकाल देंगे ना इनके बीच को, वो बराबर रख देंगे, फिर एक बार इससे बराबर रख देंगे, तो ये सब बराबर होंगे आपस में, ये क्योंकि ये सब रेडियस है। तो चलिए ओ ए बराबर हो तो इसका स्क्वायर भी बराबर होगा, स्क्वायर क्यों करते हैं, अंडर रूट हट जाता है, तो ओ ए निकालते हैं, ओ ए क्या होगा, ओ ए ओ ए ओ ए, ठीक है। एक्स माइनस एक्स टू मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, बच्चों वाली बात नहीं करना यहाँ पे। चलिए जल्दी से, एक्स स्क्वायर 36 माइनस 12x, वाई स्क्वायर 36 प्लस 12y, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 6x, अब ये मत कहना सर जल्दी जल्दी हो रहा है, सिंपल चीज़ है ना, प्लस 14y, तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 12x है, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का 6x, प्लस का 12y इधर आएगा, तो माइनस का 14, बाकी सब उस तरफ ले जाओ, ये 9 है, 49 है, ये 36 है, माइनस में जाएंगे ये सब। चलिए तो ये माइनस का 6x माइनस का 2y, अब यार इनको ऐड करो, ये तो 72 हो गए, 72 से 49 58 गया, तो ये 14 बचा माइनस का, सही करो ना मैं, 58 72, हाँ सही है, माइनस 2 कॉमन ले लो यहाँ से, 3x प्लस का वाई माइनस 2 से 7 बार गया, तो एक इक्वेशन आ गई। अब देखो यार ये एक इक्वेशन आ गई,
ऐसे ही अब जब ओ ए बराबर ओ बी तो एक बात ना होता हो क्या, ओ ए ओ सी बराबर ओ ए भी होगा, ओ बी बराबर ओ सी भी होगा, एक और इक्वेशन ले, एक इक्वेशन वहाँ से आ जाएगी निकल के, एलिमिनेशन मैथड लगा देना बस। तो अब क्या हो जाएगा, एक हम कहते हैं कि मान लो ओ सी बराबर ओ ए है, सही बात है, इनका स्क्वायर कर दो, तो बस सब कर दो, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स माइनस सिक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस सिक्स का होल। तो देखो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर थ्री थ्री जा नाइन माइनस का सिक्स एक्स, वाई स्क्वायर प्लस का नाइन माइनस का सिक्स वाई। अब देखो एक्स माइनस सिक्स का होल स्क्वायर वाई प्लस सिक्स का होल स्क्वायर हमारे पास है, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ इसको देख के, ठीक है। तो ये डायरेक्ट लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर थर्टी थर्टी सिक्स प्लस का सेवेंटी टू माइनस का ट्वेल्व एक्स प्लस का ट्वेल्व वाई। ये तो कटने थे कट गए, ये माइनस का सिक्स एक्स है, ये माइनस का सिक्स वाई है, ये माइनस का ट्वेल्व एक्स इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, वो माइनस का ट्वेल्व वाई, ये सेवेंटी टू है, नाइन अट्ठारह इधर जाएगा माइनस में जाएगा, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, एटीन वाई बहत्तर से अट्ठारह गया, कितना फिफ्टी फोर बचा, सिक्स एक्स सिक्स कॉमन ले लो तो एक्स माइनस थ्री वाई चौवन, तो ये आ गया एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू नाइन, ये आ गया एक्स माइनस थ्री वाई और ये आ गया थ्री। अब भैया एलिमिनेशन मेथड लगा देना, तो देखिए थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू सेवन, एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू नाइन। मैं ऐसा करता हूँ, इसमें करता हूँ थ्री से मल्टीप्लाई ऊपर वाली इक्वेशन में, तो नाइन प्लस का थ्री वाई इंटू थ्री, तो ये कैंसिल हो गया, नाइन एक्स और ये टेन एक्स आते हैं इक्कीस, इक्कीस और नौ तीस, तो x कितना आ गया थ्री आ गया, x की वैल्यू यहाँ पुट करो थ्री थ्री जा नाइन, तो y कितना आ गया माइनस टू, तो क्या हो गए इसके कोऑर्डिनेट, आ जाए आंसर, बस आंसर आ जाए बस यार, ये है इतनी बड़ी कैलकुलेशन में, थैंक गॉड एकदम ठीक। अब ये मत सोचना मैंने देखा नहीं आपकी तरफ, क्यों नहीं देखा, क्या था इसमें, ये होता ये बच्चों पता कैलकुलेशन ही थी, तो अब मैं आपकी तरफ देखता था यार फिर इधर गड़बड़ हो जाता, फिर आप मज़े लेते हो, यहाँ हो गई तो सब समझो, एंजॉय करो, आपके देखते हो कोई डाउट नहीं होगा मुझे पक्का बताया, क्योंकि मुझे पता है जब आप लोग प्रूफ देख रहे हैं, आप लोग एक चीज़ देख रहे हैं, ये चीज़ तो बहुत सिंपल लगेंगे आपको। बिन पूछे मिले मुझे क्वेश्चन फोर देखते हैं, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन फोर, कह रहे हैं द टू अपोजिट वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर, अपोजिट वर्टेक्स हैं, चलिए ये हमने मान लो एक स्क्वायर ले लिया और ये हमने दिया ए बी सी, अपोजिट वर्टेक्स हैं, मतलब इनको ले लो या इनको ले लो कैसे भी ले लो, सपोज मैं इसको लेता हूँ माइनस वन कॉमा टू, तो ये हो जाएगा हमारे पास थ्री कॉमा, फिर क्या कह रहे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर टू वर्टिसेस, ठीक है अदर टू वर्टिसेस फाइंड करते हैं, तो सर इसको ले लेता हूँ सपोज मैं एक्स वन वाई वन, इसको ले लेता हूँ एक्स टू वाई, इनकी वैल्यू मुझको फाइंड करनी है। अच्छा जी अब सुनो, बहुत सिंपल इसी की तरह, एक बात सुनो यार जरा यार, मुझे लगता नहीं कि आप मुझसे ये कहोगे कि सर सी डी बराबर सी बी क्यों है, क्यों स्क्वायर है, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती हैं, तो ये इसके इक्वल, ये सब आपस में इक्वल होंगी, तो स्क्वायर भी इनका इक्वल होगा, स्क्वायर समझ में आ गया क्यों करते हैं। अब इनका डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, तो चलिए एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है एक्स वन है ना, तो एक्स वन लेते हैं, एक्स वन y1 वन माइनस टू का होल स्क्वायर, सी भी निकालते हैं x1 वन माइनस थ्री का होल स्क्वायर y1 वन माइनस टू का होल स्क्वायर। चलिए तो ये क्या आ गया x1 का स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन प्लस टू एक्स वन, वाई वन का स्क्वायर प्लस का फोर माइनस का फोर वाई वन, एक्स वन का स्क्वायर थ्री जो नाइन माइनस सिक्स एक्स वन, वाई वन का स्क्वायर टू टू जो फोर माइनस का फोर वाई वन। चलिए एक्स वन स्क्वायर वाई वन स्क्वायर सहीद, तो भाई सहीद ठीक है जी। अब देखते हैं माइनस, अरे माइनस का फोर वाई वन से माइनस, वेरी गुड बहुत बढ़िया, तो ये टू एक्स वन ये रहा और एक्स वन ये इधर आएगा प्लस का सिक्स एक्स वन, बाकी सब नाइन प्लस फोर थर्टीन, वन और फोर इधर जाएंगे तो किसके जाएंगे माइनस के अंदर, माइनस का फाइव, तो क्या हो गया एट एक्स वन थर्टीन फाइव गया एट, तो एक्स वन कितना आ गया वन, तो हमारे पास x1 निकल के आ गया, x1 कितना निकल के आ गया हमारे पास वन। अब प्रॉब्लम आती है कि वाई वन तो कट गया, x1 कैसे निकालें, तो जुगाड़ करते ना, देखो डरो मत आप लोग, हम हैं तो क्यों चिंता कर रहे हो,
लॉजिक लगाएंगे ना हम, यहाँ का मतलब क्या है, कोई एरोगेंस वाली बात नहीं, मतलब मजे में कह रहा था मैं ये समझते ना कि क्या अब लॉजिक लगाएंगे क्या। तो देखो ये 90 है तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो देखते हैं ट्रायंगल बीसीडी में राइट एंगल है ना, तो बीडी का स्क्वायर इक्वल्स टू सीडी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। तो देखो बीडी का स्क्वायर तो हम लोग निकाल सकते हैं कि 3 से प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 0 का होल स्क्वायर। चलिए सीडी का स्क्वायर, तो सीडी का स्क्वायर क्या होगा, चलो फिर से निकालते हैं सीडी का, तो ये क्या होगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब बी सी का निकालेंगे 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई 1 का होल स्क्वायर। तो 3 1 उसका 4 16, 2 का स्क्वायर 4, वाई 1 स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4 वाई 1, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 प्लस वाई 1 का स्क्वायर माइनस का टन 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 फोर वाई वन। ठीक है जी, तो अब यहाँ से वाई वन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही मुझे लगता है, और फिर हम लोग कर लें कैलकुलेशन देख लें बन। ठीक है ठीक है, तो इधर तो कुछ होना नहीं था, वन माइनस वन वाई वन माइनस टू और टू माइनस वाई वन, तो माइनस तो आएगा इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं। चलिए अच्छा, तो फोर फोर सिक्सटीन फोर फोर सिक्सटीन, अरे ये तो सबसे सब कट गए, ये तो जीरो हो गया। चलिए अब देखिए वाई वन का स्क्वायर टू वाई वन का स्क्वायर माइनस का फोर वाई वन माइनस का एट वाई वन। चलिए अच्छा, तो टू वाई वन स्क्वायर माइनस का एट वाई वन इक्वल्स टू जीरो, तो टू वाई वन कॉमन आ रहा, अंदर बचेगा वाई वन माइनस का फोर। ठीक है इसको रखेंगे जीरो, केवल वाई वन जीरो और वाई वन फोर। तो देखते हैं भाई सबसे पहले इतना चेक कर लें, वाई वन जीरो एकदम भाई सही आ रहा है। अब आप कहेंगे सर वाई की दो जीरो को तो एक्स की, हाँ एक्स की दो जीरो वाली होंगी, एक बार इसके सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1,0 1,4 कुछ भी हो सकता, क्योंकि ये इस तरफ भी हो सकता है इस तरफ भी हो सकता है, इसकी कोई ऐसी हेडक नहीं। तो इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आ गए, अब हमसे ये भी तो बोला था ना, कोई बात नहीं जगह ढूंढ लें, तो बस तो एक बात सुनो, अगर ये स्क्वायर है तो जो ए सी का मिड पॉइंट होगा वही बी डी का मिड पॉइंट होगा, बस आ गया आंसर। तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ 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 बी डी। तो चलिए इसका मिड पॉइंट निकालते हैं। अब आप कहेंगे सर मिड पॉइंट भी दो दांग, कोई दिक्कत नहीं यार, किसी को एक बार इसको 1,4 लेके कर लेना, फिर एक बार 1,0 लेके कर लेना, मैं पहले लेता हूँ फॉर 1,4 के लिए। तो देखो क्या होता है, x2 में 1 ऐड करेंगे तो x2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, बाई 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, इसको करेंगे 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 1, 2 प्लस 2 हो गया, इसको रखेंगे इसके इक्वल, तो x2 प्लस 1 इक्वल्स टू, तो x2 कितना हो गया 1, इसको रखेंगे y2 प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू, तो y2 कितना हो गया 0। तो एक बार इसके कितना आ गया 1,0 सही आ रहा ना, देखने एक बार आंसर दिखाते चलो तुम, बस है 1,0 आ रहा है। ठीक है भैया 0,4 ठीक है। अब एक बार 1,4 की जगह लिख लेना 1,0, फिर उससे कर देना, दो दो आंसर आ जाएंगे, कंसेप्ट समझो डियर कंसेप्ट। एक बार फिर से देखते हैं, ये डिस्टेंस बराबर थे तो एक पॉइंट निकल गया, पाइथागोरस थ्योरम लगाई दूसरा पॉइंट निकल के आया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इसलिए दो उसके क्या होंगे रूट्स होंगे, तो दो दो आंसर आ गए, करो मजे से, क्या दिक्कत है, कंसेप्ट के साथ समझते चलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, थोड़ा बुक्स है आपके पास ओपन करके रखिए, कुछ नहीं है, मैंने कोशिश की है आपको फील कराने, क्या कह रहे हैं कि अगर ये एक ट्रायंगल इस तरीके से बना हुआ है, जो थ्योरी पार्ट है उसमें कुछ नहीं है, अगर कह रहे हैं कि अगर हमने ए डी को, पहला क्वेश्चन कह रहे हैं टेक ए एज अ ओरिजन, अगर ए को ओरिजन माना गया तब इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करो, ए को ओरिजन माना गया है तो इसका इस तरीके से ये बात करें, तो ये प्लस एक्स एक्सिस कंसीडर की जाएगी, ये वाई एक्सिस कंसीडर की जाएगी। ठीक है जी, तो अब कह रहे हैं ए का अब कुछ नहीं करना है, नॉर्मल फर्स्ट पार्ट तो नॉर्मल है, तो क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे और पी के फाइंड करेंगे। देखो तो यहाँ से हो सकता है मेरे डायग्राम में, तो आप लोग बुक ओपन करो, मैं बुक को थोड़ा सा जूम करके देखता हूँ कि सबसे पहले क्यू के कोऑर्डिनेट क्या, तो ये एक्स एक्सिस पे देखते हैं कितना गया है, तो ये एक्स एक्सिस पे जो मुझे दिख रहा है 3 गया है एक्स एक्सिस पे 3,
और वाई एक्सिस पे कितना है यहाँ से ये 2, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 3.2। ऐसे पी के, पी देखो हमारा गया पी के, नहीं पी के कोऑर्डिनेट देखते हैं, पी के ये वहाँ 4 पे गया है और ऊपर ये हमारा 1, 2, 3, 4, 6 पर गया, मतलब ये है ये 6 है और ये जो हमारा ये आ रहा है ये 4 पे आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही आर के कोऑर्डिनेट, आर के तो इसमें मैं काउंट करता हूँ 1, 2, 3, 6 और इस पे जो गया 5, ठीक है। वो आप देख लो, मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो, देखो मेरे अकॉर्डिंग तो 7 आ रहा है लेकिन बुक में देखो आप, बुक में क्लियर है तो 6 पे आ रहा होगा, ये हमारा 5 पे आ रहा है। तो इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर देना, ठीक है, एरिया और पी क्यू आर कैसे भी लेना, वही 1/2 फलाना, मैं बिल्कुल नहीं निकालूंगा। सेकेंड पार्ट देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अब आप ए को सेंटर माना ना, अब ए को मत मानो, अब आप सी को सेंटर मानिए, सी सेंटर है, देखो सी सेंटर है इस तरीके। अब अगर आप यहाँ से बैठ के देखेंगे यहाँ से, तो ये अब ये वाई एक्सिस कंसीडर की जाएगी और ये एक्स एक्सिस कंसीडर की जाएगी। अभी भी देखो यही था, ये एक्स एक्सिस था, ये भी एक्स एक्सिस था, अब लेकिन देखने का तरीका बस अलग हो जाएगा। अब फॉर सी इज सेंटर, सी के लिए तो कोऑर्डिनेट क्यू के निकालते हैं क्या होंगे, पी के निकालते हैं क्या होंगे और आर के, तो मैं इसमें देखता हूँ क्यू के कोऑर्डिनेट आप देखेंगे क्यू के, तो आप पहले ये देखो एक्स एक्सिस पर कितना, एक्स एक्सिस पर, फिर हम देखेंगे वाई एक्स। तो एक्स एक्सिस पर क्यू के कोऑर्डिनेट अगर मैं निकालता हूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्यू के, यहाँ से मैं काउंट करने बैठता हूँ 13 हो जाएंगे। अब वाई के अगर मैं निकालता हूँ तो देखो, अब वाई के आप कैसे निकालें, क्यू पॉइंट हमारा ये वाई एक्सिस ये मान, तो ऐसे काउंट करो यहाँ से, तो ये कितना आएगा, मैं इससे काउंट करता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो क्यू के 13, मतलब ये समझो समझो लास्ट बार फिर से कि ये क्यू है, अब इस पे परपेंडिकुलर डाल दो, इस पे डाल दो, ये डिस्टेंस देखो कितना है 6 आएगा, और अब यहाँ से हमको देखना पड़ेगा और ये कितना है क्योंकि ओरिजिन वो है, तो ये हमारा कितना है 13, आप बुक में देखेंगे क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पी के कोऑर्डिनेट, पी हमारा ये है, अब इसमें मुझे देखने दो पी कितना, 12 आ रहा है, अब 2 आ रहा है, देखो ये 2 आ रहा है यहाँ से आप देखेंगे तो ये। ऐसे ही आर, आर हमारे पास ये है, मैं ऊपर से काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक आँख बंद करके देखो 10 आर कितना रहा 3, ठीक है। देखो कंसेप्ट समझो क्या है, अगर यहाँ से हमें और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड को, तो एक्स एक्सिस पर देखो कितना ये चीज़ कितनी है और वाई एक्सिस से देखो ये चीज़ कितनी, बस एरिया निकाल देना दोनों को, एरिया ही फाइंड करने को कह रहे हैं। हाँ इधर बोथ द केस एरिया ऑफ द, हाँ ये कह रहे हैं क्या वो सेम आएंगे, तो आप निकाल देना कि सेम आएंगे कि नहीं आएंगे, तो आप निकाल देना कि एरिया सेम आएंगे या फिर वो आप निकाल के देख लें। मुझे लगता है जहाँ तक मेरी जो नॉलेज थोड़ी बहुत है वो ये कह रही है सेम आने चाहिए, सेम आने चाहिए, ठीक है, करके देखना जरा एक बार क्यों मैं कह रहा हूँ 3, 2, 4 लग रहा है मुझे, नॉट श्योर, आप निकालना तब मजे लेना क्या आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कह रहे हैं द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, ये ट्रायंगल है एबीसी, तो वो ये 6 चैप्टर का कंसेप्ट यूज होगा इसमें। कह रहे हैं एबीसी ए के कोऑर्डिनेट है 4.6 और बी के हैं 1.5 और सी के हैं 7.2, ठीक है। अ लाइन इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट ए बी एट सी, ऐसा डी एंड, एक लाइन की तो इससे इस तरीके से इन्होंने किया है, तो इसका जो इन्होंने रेशियो दिया गया क्या दिया गया कि ए डी अपॉन ए बी बराबर ए ई अपॉन ए सी कितना दिया गया 1/4, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द कंपेयर, ठीक है। इनका रेशियो कंपेयर मतलब रेशियो फाइंड करना, कंपेयर में हमेशा रेशियो फाइंड करेंगे, ये नहीं कि माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, हमको अगर मैं बात करूं एरिया एबीसी की, यार एबीसी का तो एरिया मैं तो उम्मीद करना मत कि x1 y1 x2 y2 निकाल दें, जो भी कंसेप्ट है इसका एरिया ADE में है बस। अब देखिए ADE डी और ई के कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाए बस हमको कैसे भी, बस ये टारगेट हमारा, क्योंकि हो जाएंगे तो इसका एरिया निकाल देंगे। अच्छा अब ये दिया गया तो इसका भी कुछ यूज़ होगा, तो ए डी और ए बी का रेशियो कितना है 1/4, तो लेट करते हैं, अगर ए डी को ले लिया एक्स तो ए बी कितनी हो जाएगी 4x, अगर ए डी एक्स है और ए बी पूरी 4x है तो 3x हो गई, ऐसे इधर हो गया। तो एक बात बताइए क्या ए डी अपॉन डी बी का रेशियो 1:3 नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया, इसका रेशियो 1:3 नहीं हो गया। सेक्शन फार्मूले से क्या ये कोऑर्डिनेट नहीं निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लोगे यार, x1 y1 x2 y2 m1 m2, अब ये d के कोऑर्डिनेट निकाल देना तो बस
ठीक है, निकाल दोगे आप कैसे, एम वन एक्स टू एम टू एक्स वन अब आप लोग ये मत कहना सर आप करते हो तो हो नहीं, बस ये कह दो हम अगर हम सर कर ही लेंगे तो आपको देखें क्यों। देखो वो चीज़ें देखो जहाँ पे लॉजिक होता है, अब देखो ना ये तो आप निकाल लेंगे, इसी तरीके से इसका भी रेशियो 1:3 होगा, इसके भी कोऑर्डिनेट निकाल देंगे आप, जब निकाल देंगे इस ट्रायंगल का एरिया और इस बड़े वाले ट्रायंगल एरिया का रेशियो फाइंड कर देना। जो कंसेप्ट था वो मैंने बता दिया, क्योंकि लॉजिकल क्वेश्चन था नहीं, जो लॉजिक था वो बता दिया। क्वेश्चन नंबर 7, भाई इसमें तो पूरी फैमिली है, इतने पार्ट हैं इसके, हैं कुछ नहीं, कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल है ABC, देखो थोड़ा लेंथ भी है, सिंपल है, लेकिन ABC तो क्या कह रहे हैं कि A क्या है 4.2, B क्या है 6.5 और ये क्या है 1.2, तो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं द मीडियन फ्रॉम A मीट BC, A का मीडियन सही बात है, ये D मिड पॉइंट, अगर मीडियन है तो D मिड पॉइंट है, तो कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द डी। फर्स्ट तो बहुत सिंपल है, डी अगर मिड पॉइंट है तो डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 6+1/2, 5+4/2, तो ये 7/2 और 9/2, ये क्या हो गए डी के कोऑर्डिनेट हो गए। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी डाउट होना चाहिए। सेकंड पार्ट कह रहे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी ऑन AD, AD पर एक कोई पॉइंट है, मान लो पी ये रहा, पी सच दैट AP/PD मतलब AP/PD कितना है 2:1 है, मतलब AP ये 2 है और PD कितना 1 है, तो P के कोऑर्डिनेट फाइंड करें। देखो D के तो हमको पता है 7/2 और 9/2, यार एक बात बताओ ना, सेक्शन फॉर्मूले से P के कोऑर्डिनेट नहीं निकाल लोगे, एक बात देखो ये मत सोचो कि मैं कुछ बताना नहीं चाह रहा हूँ, ये सिंपल चीज़ें यही हम लोगों ने प्रूफ तक की हैं, तो आप P के कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ P हम लोग कहते फाइंड करेंगे m1x2+m2x1 m1+m2 m1y2+m2y1, चलिए तो इसको ले लेना आप x1 y1 x2 y2, किसी को भी ले लो, हमने m1 और m2 कैसे भी ले लो, तो ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसके जो वो आएंगे वो 11/3 और 11/3 आएंगे ना, ठीक है एक मिनट मैं देख लेता हूँ जरा, हाँ ठीक है, चलिए 11/3 11, ठीक है। अब थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्यू और आर ऑन द मीडियन BE, चलिए BE एक हमने मीडियन है, ये ई इसका मिड पॉइंट होगा, ऐसे ही ये CF, ये तो कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्यू एंड आर ऑन द मीडियन सच दैट, मतलब इनका भी 2:1 बने, इनका भी 2:1 बने, और जिस लाइन को काटे हैं मान लो यहीं पर ही क्यू है हमारा, अब मुझे तो पहले से पता है कि ये सेंट्रोइड है, फिर आपको बता दिया क्यू एंड आर, अब देखो क्या कहना चाह रहे थे। अब ये कह रहे हैं कि अगर आप इसको रियल में बनाएंगे, कह रहे हैं बी को ज्वाइन करो और 2:1 है ये भी, तो क्यू के कोऑर्डिनेट बताओ, ऐसे CF है तो इसने आर पर कट कर आर के, तो इनके रेशियो सेम आएंगे, आप करके देख लेना, इन सब के कोऑर्डिनेट सॉरी इन सब के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 11/3 आएंगे। पूछो क्यों आएंगे, क्योंकि मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया है सेंट्रोइड क्या होता है। सेंट्रोइड वो होता है कि जब किसी भी ट्रायंगल, कैसा भी ट्रायंगल है, अगर उसके मीडियन एक ही पॉइंट पे कट करते हैं तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं सेंट्रोइड, वो हमेशा 2:1 में ही डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो फोर्थ में क्या बोलना है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, तो भैया हमने ये ऑब्जर्व किया है कि PQR ये सब एक ही पॉइंट पे हैं, PQR लाइज ऑन अ सेम पॉइंट, सो दिस पॉइंट कॉल्ड सेंट्रोइड, सो दिस पॉइंट, अब ये चीज़ें देखो कहाँ पड़ी थी आपने, अगर ये ऑप्शनल नहीं करते, कॉल्ड सेंट्रोइड, ठीक है ना, एक वीडियो अपलोड किया सेंट्रोइड क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सब बताया एक वीडियो में, तो ये हायर चीज़ है आपको आनी चाहिए। फिर कह रहे हैं कि इफ़ अगर अच्छा अब ये कह रहे हैं कि इफ़ x1 y1, ठीक है, अब इन्होंने कहा क्या कहा है कि अब जो ABC के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, अब बताइए सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट मतलब P पॉइंट के, ये अब सेंट्रोइड हो गया तो अब हमको पक्का पता है कि इसने 2:1 में डिवाइड किया है, क्योंकि अब हमसे कह रहे हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको बताने हैं, तो अब D क्या हो जाएगा, D मिड पॉइंट है तो D हो जाएगा x2 + x3 / 2,
y2 टू प्लस वाई थ्री डिवाइड बाई टू। तो चलिए इसको ले लेंगे x1 y1 तो है, ये x2 y2, ये m1 m2। चलिए कोऑर्डिनेट ऑफ p, तो फॉर्मूला होता है m1, m1 कितना है 2 इन टू x2, x2 कितना है x2 प्लस x3 डिवाइड बाई टू प्लस m2 तो 1 है, और x1, x1 कितना है x1 डिवाइड बाई कितना आएगा 2 प्लस 1, m1 प्लस m2 कितना 2 प्लस 1 होगा हमारे पास ये। चलिए अच्छा अब देखते हैं m1 2 y2 कितना y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 प्लस m2 1 है, और y1 कितना है y1 अपॉन 2 प्लस 1 3। तो चलिए 2 से 2 कैंसिल होगा, ऊपर कितना बचा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी डाउट होना चाहिए, कोई भी डाउट है नहीं है ना, तो आंसर चेक कर लेता हूँ। ठीक है तो ये सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट आ गए। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पिछला वाला आंसर ठीक था वो, ठीक है मतलब सेंट्रोइड के कैसे कोऑर्डिनेट होते हैं, तो उन तीनों को ऐड करो और डिवाइड बाई 3 कर देना। कह रहे हैं ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, करूँगा नहीं समझाऊँगा केवल कैलकुलेशन ज़्यादा है। तो माइनस वन कॉमा माइनस वन, माइनस वन कॉमा फोर, फाइव कॉमा फोर, फाइव कॉमा माइनस वन, तो ये एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू। ठीक है इस तरीके से ये क्या कर, एक्स थी वाई थी नहीं लेते, ए बी सी डी नाम दे दो बस, वो बाद में देखेंगे जिसको जो लेना हो। अब क्या कह रहे हैं कि इनके मिड पॉइंट को मिला दो, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका, ये इस। अब यार ये मत कहना मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। देखो अब इसका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, माइनस वन को ऐड करेंगे डिवाइड बाई टू माइनस वन, माइनस वन और फोर को ऐड करेंगे तो थ्री बाई टू, ऐसे इसका फाइव से बन गया फोर, टू फोर फोर फोर, ऐसे सबके मिड पॉइंट निकाल लेंगे फाइव फाइव टेन, तो टू फोर से बन गया थ्री बाई टू, माइनस वन फाइव टू, माइनस वन ये आ गए। अब कह रहे हैं ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है भैया, इसकी चारों साइड का डिस्टेंस निकाल लेना है और इनके डायगोनल का निकाल लेना, अगर चारों साइड इक्वल आएँ और डायगोनल भी इक्वल आएँ तो स्क्वायर होगा, केवल चारों साइड इक्वल आएँ तो रोम्बस हो जाएगा बस। ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया भाई, ऑप्शनल ख़त्म हो गई है, ये मत सोचना कि इसको छोड़ मैंने छुड़वा दिया, आप खुद से करिए। चलिए